बट बोले राहुल का विवादित बयान, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और एक बार फिर से राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया। वायनाड में पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना गोडसे से की है। तो मोदी गोडसे एक ही विचारधारा को मानने वाले, मोदी में ये मानने की हिम्मत नहीं, वो खुलकर कहे कि वो गोडसे को मानते हैं। मोदी और गोडसे की विचारधारा समान है। तो एक बार फिर से गोडसे के साथ तुलना करते हुए राहुल गांधी पीएम मोदी की नजर आए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते नजर आए। वायनाड में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को समान बताया। उन्होंने कहा कि दोनों एक समान विचारधारा के। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। बस नरेंद्र मोदी ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि वो नाथूराम गोडसे में आस्था रखते हैं। तो दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। तो नाथूराम गोडसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक ही है, लेकिन पीएम मोदी ये कहने की हिम्मत नहीं है कि वो नाथूराम गोडसे में आस्था रखते हैं। तो आपको बता दें कि इस रैली के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सवालों के घेरे में राहुल गांधी। तो वायनाड में पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए पीएम मोदी की तुलना नाथूराम गोडसे से की है। तो आज एक तरफ पूरा देश 72वीं पुण्यतिथि पर बापू को याद कर रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये विवादित बयान पीएम मोदी पर और नाथूराम गोडसे और पीएम मोदी की तुलना एक दूसरे से करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों की विचारधारा एक है। बस नरेंद्र मोदी ये कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि वो नाथूराम गोडसे में आस्था रखते हैं। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड दौरे पर, और इस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसीजी जुड़ गई हैं। शाइना जी, R9 टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद शाइना जी। वायनाड में राहुल गांधी का एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान, नाथूराम गोडसे और पीएम मोदी की विचारधारा एक। देखिए राहुल गांधी जी के लिए मैं क्या कहूँ, आई थिंक ही इज मेंटली बैंकरप्ट। कोई मुद्दा न होने की वजह से वो ऐसे बचपना करते रहते हैं। नाथूराम गोडसे और मोदी जी में कोई तालमेल नहीं, कोई भी लेना देना नहीं, बल्कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और हमेशा रहेंगे। ये वो स्वीकार करें तो आगे चर्चा हो सकती है। जो बेबुनियादी तौर पे वो सिर्फ मीडिया में अपने आप को आकर्षित करने के लिए ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका खंडन करना चाहिए। और हम सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी ये है कि बहुमत तय करती है कि कौन है लोकप्रिय कौन नहीं और कौन है गुनेगार और कौन नहीं। और जो आप अपने जॉन्डिस आईज से ऐसे टिप्पणी करना चाहते हैं तो आपको शोभा नहीं देती। बिल्कुल। और वो यहाँ पर ये भी कहते नजर आए कि पीएम मोदी में ये कहने के भी हिम्मत नहीं है कि वो नाथूराम गोडसे पर आस्था रखते हैं। ये बार बार जो गोडसे अफेम जगता है और जिंदा होता है, इसके पीछे वजह क्या मानती हैं आप शाइना जी? देखिए थोड़े लोग जो है वो वर्तमान जी में निकलते रहते हैं अपने कंस्पिरेसी थ्योरी। अभी गोडसे कौन से काल में रहते थे, क्या उन्होंने किया, इसका खंडन पूरे देश में हुआ है। और अभी जो आप नहीं पचा पा रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता में एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो सही मायने में चाहती है कि भारत की तरक्की हो, तो शायद इस वजह से आपका कोई विजन प्लान न होते हुए आप टिप्पणी पे टिप्पणी करते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी आपका जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी ने पीएम मोदी पर इस विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी ने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जो इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि बार बार आखिर गोडसे को जिंदा क्यों किया जाता है, या फिर सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी ही इसके लिए क्या जिम्मेदार है? तो जिस तरह से एक बार फिर से पीएम मोदी की तुलना नाथूराम गोडसे से
राहुल गांधी ने की है, उसके बाद एक के बाद एक रिएक्शन भी जो है वो सामने आ रहे हैं और ये विवादित बयान के चलते राजनीति शुरू हो गई है।